और उमेश पाल की पत्नी भी बैठी है वहां पर, क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? वो भी कुछ कहना चाहेंगे? जी स्नेहा, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार उमेश पाल का को लेकर मीडिया का जमावड़ा काफ़ी इनके घर पर है, इस वजह से थोड़ा सा वक्त हम बात करने के प्रयास करते हैं। उमेश पाल की पत्नी मौजूद हैं, उनसे और मैं नहीं चाहती कि उनके शासन में इस तरह से दोबारा कोई घटना हो, वो मिसाल बने कि कम से कम इस तरह के माफियाओं को ख़त्म किया जा सके। मैं यही अपील आप लोगों के द्वारा करवाऊंगी, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलती हूँ और न्यायालय महोदय से बोलूँगी, शासन प्रशासन से कहूँगी कि उन्हें फांसी की सज़ा ज़रूर दिलाएँ, नहीं तो फिर वो अगर बच गया तो वो हम लोगों को क्या, मेरे समाज में किसी भी जो उठने वाले व्यक्ति होंगे उन सभी को ख़त्म कर देगा वो। लंबा वक्त बीत गया अजय जी, और आज जो है वो फैसले की घड़ी है, कैसे देखते हैं पूरे 17 साल के इस वक्त को? मैं जो ये 16-17 साल मैंने अपने आदमी के साथ बिताया, मेरे आदमी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मैंने अभी तक जो है इन खौफ में जिया है कि कब ये घटना घट सकती है, और आज ये आज 2023 में 2024 में जी 24 तारीख की डेट में इन्होंने ऐसा आतंक कर दिया कि मैं जो कल्पना पहले की थी कि हाँ ऐसे हो सकता था, आज वो घट गया है। मैं अब न्यायमूर्ति से यही गुहार करूँगी कि उन्हें फांसी की सज़ा ज़रूर दिलाई जाए, नहीं तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। फांसी की सजा मांग रही हैं, किस बात का डर है? क्योंकि योगी जी पर विश्वास नहीं है, डर है पति के जाने के बाद तो मेरे यहाँ कोई है नहीं, मैं असहाय हूँ, मुझे ये है कि कल को मैं क्या कर सकूँ, मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे घर परिवार में कोई बड़ा मुझसे मुझे सहारा देने लायक नहीं है, मेरे जो बड़े जेठ हैं वो टैंकर चलाते हैं, मेरे आदमी मेरे घर परिवार के संचालन को करते थे, आज वो ही नहीं रहे, मेरा घर पूरा बिखर गया है। सरकार से भी किसी तरह के मदद की कोई गुहार लगाना चाहते हैं? ये मैं शासन पे छोड़ दिया, उन्होंने जो मुझे अच्छा उचित समझेंगे वो मेरे साथ वैसा करेंगे, बस मैं यही अपील करूँगी कि मेरे आदमी के कातिलों को छोड़ा ना जाए, उन्हें फांसी की सज़ा जरूर दिलाई जाए। मैं आप सभी से मांग कर रही हूँ कि आप मेरी बातें न्यायालय महोदय और शासन प्रशासन सबसे, मैं कि उनको छोड़ा ना जाए, मैं जिंदा ना बचने पाए, अगर जिंदा बचा तो मैं वाकई में मर जाऊँगी और मेरा परिवार भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों, किस बात का डर है आपको, किस बात का डर है? जिस तरह से प्रशासन योगी जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई कर, देखिए डर इस बात का है कि मेरे आदमी जो है वकील थे और वो साधारण तौर पे उन्होंने वो जो है अपनी वकालत कर रहे थे और वो जो है अपना केस लड़ रहे थे, आज वो केस साधारण पूरक लड़ते लड़ते ही आज ये घटित हो गया, कल को क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चों के माध्यम से, जिस तरह से उसने अपने बच्चों के माध्यम से इस तरह से काम करवाया, कल को हो सकता है कि वो फिर अपने बच्चों को ट्रेन करके मेरे को भी ऐसा कर सकता है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि उनके पूरे। तो नैनी जेल से सुपरिटेंडेंट श्रीकांत सिंह है, उनके पास ज्यादा जानकारी है, उनसे भी हम जुड़ के जानकारी लेते हैं। श्रीकांत जी, मैं स्नेहलता एबीपी गंगा पे आपका स्वागत है, जरा समझाएं कि आज अतीक के आने के बाद किस तरीके से माहौल है, चीजें हैं और तैयारी है, क्योंकि बहुत पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी जब नैनी से 11 बजे कोर्ट तक ले जाया जाएगा। और इनको सीसीटीवी सर्वेलांस के रखा गया है, जिसको वीडियो कॉल के माध्यम से जेल में और हमारे मुख्यालय पे इंश्योर किया जा रहा है कि पूरी सुरक्षा रहे। बिल्कुल, और अब एक साथ अगर तीन बड़े या जगह जगह से बाहर से लाए गए इतने बड़े माफिया जिनका नाम आप भी जानते हैं, उनको रखने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था आपके कंधे पे रही, जिम्मेदारी आप पे रही, किस तरीके से आपने सब कुछ एग्जीक्यूट किया?
जी, हम तीनों माफिया हैं, इसलिए हमने इंश्योर किया था कि तीनों बंदी अलग अलग घर में रहेंगे, जहाँ पे तीनों के एक दूसरे की तीनों एक दूसरे की परछाई न देख सके और किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं शो ना सके। तो लेकर के अतीक की बहन कह रही थी शशिकांत जी की हाइपरटेंशन है, वो अभी अभी उसकी तबीयत कैसी है? नहीं नहीं, कल क्योंकि हम जिस कोई भी बंदी नया बंदी आता है तो हम उसका तुरंत मेडिकल करते हैं, तो मेडिकल में जो भी अगर उनको दवा की जरूरत पड़ेगी हम उसको जेल प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। अभी आज सुबह से तबीयत या फिर से चेक करेंगे, या फिर बहन कह रही थी अतीक की तबीयत ठीक नहीं है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ऐसा है क्या? नहीं, अगर वो हमें डॉक्टर साहब ने चेक किया था और उनको जो भी थे उनकी दवा दे दी गई थी। जी, और शशिकांत जी, एक साथ अगर इतने सारे कैदी जो आते हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हो, तो किस तरीके से व्यवस्थाओं को अरेंज किया जाता है? और अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी तब तक रहेगी जब तक ये वापस ना आ जाए कोर्ट से, सही हूँ मैं? जी, नहीं, व्यवस्था पूरी की गई है कि किसी तरह की भी हम जेल के लेवल पे किसी तरह की कोई बताई ना हो और इंश्योर किया गया कि, क्योंकि शशिकांत जी, उमेश पाल का परिवार जब बात कर रहा है तो उमेश पाल की माँ कह रही है कि हमें डर है कि वो कोर्ट में जाएगा तो हम अपने परिवार से किसी को कोर्ट में भी नहीं भेजेंगे, उनके भीतर इतना खौफ है। उसके संबंध में मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमें तो जेल। शुक्रिया शशिकांत, बिल्कुल शशिकांत जी, ये बड़ी जिम्मेदारी थी और आप निभा रहे हैं। शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए कि जो भी मेडिकल प्रॉब्लम थी उसके लिए दवाएं दे दी गई हैं, बराबर मेजर किया जा रहा है, हेल्थ को चेक किया जा रहा है। अतीक और उसका भाई दोनों इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में हैं और नैनी सेंट्रल जेल पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। हमारे सहयोगी विवेक नैनी सेंट्रल जेल के बाहर से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और इससे अंदाजा लग रहा है कि भीतर से बाहर तक सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से अलर्ट है पूरा प्रयागराज और अलर्ट रहेगा जब तक कि उसे फिर से कोर्ट के बाद वापस नैनी जेल ना ले जाया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।